स्टूडेंट, मैं दिनेश सिंह आपका केयर स्केल अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आईपीएम का रहेगा कि आईपीएम को कैसे टेस्ट किया जाता है। तो आइए समझते हैं जो आईपीएम लगा हुआ है वो कैसे टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम मीटर को सिलेक्ट कर देंगे डायोड मोड पर। तो जैसे आप देख सकते हो डायोड मोड पर सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम इसमें जो है सबसे पहले जो हमारा नेगेटिव सिरा है तो इस पर हम पॉजिटिव सिरा लगाएंगे इसका मीटर का, और इस पर हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पर डायोड की रीडिंग आएगी। तो ये तीनों जो हमारे UVW जा रहे हैं, तो तीनों पर ही डायोड की रीडिंग आनी चाहिए। यदि हम प्रॉप को चेंज कर देंगे तो या तो इसमें कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए यदि या 1000 से ऊपर आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। ऐसे हम पॉजिटिव सिरे के साथ करेंगे तो पॉजिटिव पे हम लगाएंगे हमेशा नेगेटिव सिरा। अब हम इसे डायोड रीडिंग पे जब UVW चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें डायोड की रीडिंग मिलनी चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो आपको हमें यहाँ पर रीडिंग मिल रही है हमें। तो ये तो हमारी सेकेंडरी साइड होगी आईपीएम की। अब हम इसकी प्राइमरी साइड को चेक करेंगे। तो प्राइमरी में हम इसमें जो है यू में, यहाँ यू के साथ ये वाली पिन बोलनी चाहिए, तो बजर की साउंड आ रही है। वी के साथ ये वाली पिन बोलनी चाहिए और डब्लू के साथ हमारी ये पिन बोलनी चाहिए। तो इसका मतलब हमारे तीनों जो सिग्नल निकल रहे हैं वो प्रॉपर हमारे बूट कैपेसिटर पे आ रहे हैं। तो हमें बूट कैपेसिटर पे भी इन दोनों पिनों पे हमें ये लगा के चेक करना चाहिए। तो इसमें कोई भी पिन पे हमें कोई भी शॉर्टिंग नज़र नहीं आनी चाहिए। तो रीडिंग आए तो मैक्सिमम आए, नहीं तो नहीं आए। तो सभी पे सेम तरीके से होना चाहिए। तो जैसे रीडिंग आती है चली जाती है, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर हमारे चार्ज और डिस्चार्ज हो रहे हैं, इस वजह से इसमें रीडिंग आ रही है। उसके बाद यहाँ पर ये जो सिग्नल है हमारे 6 सिग्नल, तो इनको देख लेते हैं कोई सिग्नल आपस में शॉर्ट तो नहीं बोल रहा है। तो ये 6 के 6 सिग्नल हमारे परफेक्ट हैं, इसके अंदर कोई भी शॉर्टिंग नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारी इसमें सप्लाई जो आती है VCC सप्लाई, वो इस SMBS सेक्शन से आएगी। तो हम लगाएंगे इसमें, तो यहाँ पर हमारी VCC सप्लाई आ रही है इसकी, जो सप्लाई यहाँ मिलती है 15 वोल्ट की सप्लाई, तो ऑलरेडी बेप बोल रहा है। उसके बाद ये वाली जो पिन है हमारी VFO की है और ये यहाँ बोलेगी, और इसको जो सप्लाई दी जाती है वो भी हमारी SMPS सेक्शन से दी जाती है। तो ये भी सप्लाई हमारी यहाँ पर आ रही है। अब हम चेक करेंगे इसके जो हमारी IT की है, तो ये ग्राउंड के साथ हम इसको चेक करेंगे। तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस हमें मिल रही है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राउंड है, इसमें हमारी बिप की साउंड आएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये है कि IPM हमारा ठीक है। इस जनर को भी देख लेते हैं कहीं शॉर्ट तो नहीं है, तो ये जनर भी हमारा शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार इस ब्रिज एक्टिफायर को भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, तो ठीक है, कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। इसके साथ चेक करने पर एक तरफ रीडिंग आनी चाहिए और एक तरफ नहीं आनी चाहिए। तो ये भी ठीक है हमारी। तो हमने IPM चेक कर लिया है, तो IPM में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप IPM को चेक कर सकते हो। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आती है तो देखने के बाद उसे लाइक कर दें। तो अगली वीडियो में अगले टॉपिक के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।